नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कंपटीशन मैनिया में। जैसा कि 1000+ एमसीक्यू का सीरीज चल रहा था इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, उसका 28वां पार्ट है दोस्तों। इस पार्ट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज बेसिकली आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का काफी सारा टॉपिक्स मौजूद है दोस्तों। उन्हीं को कवर करने के लिए 1000+ एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री का भी पोर्शन था, जिसका ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 28। पार्ट 28 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 434 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इलिप्स, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घवृत्त के बारे में गलत है। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है दोस्तों इलिप्स के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी में स्टेटमेंट है कि यदि कोई समतल शंकु के अक्ष के समानांतर होता है तो शंकु को काटता है तो खंड क्या मिलता है, दीर्घवृत्त मिलता है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब समतल शंकु के अक्ष के समानांतर होता है तब हमें अति परवलय मिलता है दोस्तों। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन है एसेंट्रिसिटी लेस देन वन, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होती है दोस्तों। ठीक है, और जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है दोस्तों। ठीक है, द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकसेस एंड एनी पॉइंट एंड इलिप्स इज कॉन्स्टेंट। दोस्तों कोई भी इलिप्स में कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, पी का दोनों फोकस के बीच की दूरी का योग नियत होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोन कट्स द कोन देन द क्रॉस सेक्शन गिव्स हाइपरबोला। ठीक है, अगर पैरेलल है एक्सिस के समतल तब क्या मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक है, इफ द प्लेन इज पैरेलल टू बेस इट गिव्स सर्कल, अगर वो बेस के पैरेलल है, ठीक है, तब उस केस में क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड विथ एंगल मोर देन एक्सटर्नल एंगल ऑफ कोन इट गिव्स पैराबोला। दोस्तों जब प्लेन इंक्लाइंड होकर जनरेटर को काटता है, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल के साथ काटता है, ठीक है, मतलब मोर देन एक्सटर्नल एंगल, तब उस केस में पैराबोला मिलता है दोस्तों। ठीक है, इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एंड कट एवरी जनरेटर देन इट फॉर्म्स अ इलिप्स। दोस्तों अगर इंक्लाइंड होकर वो सभी पूरा का पूरा जनरेटर को काटता है तब उस केस में हमें इलिप्स मिलता है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लेन बेस के पैरेलल है या फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हमें क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जनरेटर को पूरा पूरा काट रहा है लेकिन एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, तब उस केस में इलिप्स मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, जनरेटर को पूरा पूरा नहीं काट रहा है लेकिन मोर देन एक्सटर्नल एंगल है, तब उस केस में हमें पैराबोला मिलता है। यहाँ पर क्या है, एक्सिस के पैरेलली काटता है, तब उस केस में हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 435। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डजंट यूज इलिप्टिकल कर्व्स। दोस्तों मतलब ऐसा कर्व बताना है, ठीक है, ऐसा निर्माण कार्य बताना है जिसमें इलिप्टिकल कर्व का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किसमें हम इलिप्टिकल कर्व का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूलिंग टावर में हम नहीं करते हैं दोस्तों इलिप्टिकल वक्र का। ठीक है, मतलब अब सवाल ये उठता है कि कूलिंग टावर में कौन से कर्व का यूज किया जाता है और बाकी डैम में इलिप्टिकल कर्व का यूज होता है या नहीं, ये सब जानते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में दोस्तों। ठीक है, इसमें पहला चित्र जो दिया है ऑप्शन नंबर डी मैन होल्स का, ठीक है, और दूसरा चित्र क्या है, कूलिंग टावर्स का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और बाकी डैम और ब्रिज को तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट के पॉइंट समझते हैं। कूलिंग टावर्स वाटर चैनल्स यूज हाइपरबोलिक कर्व्स एज देयर डिजाइन। दोस्तों कूलिंग टावर वाटर चैनल और उनके डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, अति परवलय वक्र का उपयोग करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, आर्चेस ब्रिजेस साउंड रिफ्लेक्टर एंड लाइट रिफ्लेक्टर एक्सेप्ट्रा यूज पैराबोलिक कर्व्स, जो कि दोस्तों मेहराब होता है और पुल होता है, ध्वनि परावर्तक, प्रकाश परावर्तक आदि में परवलय वक्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आर्चेस ब्रिजेस डैम्स
मॉन्यूमेंट्स मैन होल्स एंड स्टफिंग बॉक्सेस एक्सेट्रा यूज इलेप्टिकल कर्व। दोस्तों जो मेहराब होता है, पुल होता है, बांध होता है, स्मारक होता है, मैन होल और भरने वाले बक्से आदि में क्या होता है, दीर्घ वृत्त वक्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परवलय, पैराबोला और इलिप्स के लिए कुछ कुछ कॉमन है, जैसे आर्चेस हो गया और ब्रिजेस हो गया। ठीक है, इन दोनों का निर्माण दोनों की तरह से हो सकता है दोस्तों। इलिप्टिकल कर्व का भी उपयोग कर सकते हैं और पैराबोलिक कर्व का भी दे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 436। द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज ब्लैंक। जो रेखा मुख्य अक्ष के लिए लंबवत और नाभि से गुजरती है वह खाली स्थान है। दोस्तों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि ऐसा कौन सा रेखा है जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और नाभि से गुजरता है। तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, लेटेस्ट रेक्ट नाभिलंब। दोस्तों जैसे यहाँ पर इलिप्स के लिए बताया गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक्सिस के लंबवत बोला है ना, तो एक्सिस के लंबवत यहाँ पर MN है और M डस N डस है, जो कि नाभियों से होकर गुजर रहा है और एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट रेक्टम नाभिलंब होगा वो क्या होगा, MN और M डस N डस। ठीक है, यहाँ पर दो नाभिलंब है दोस्तों। ठीक है, और बाकी करो जैसे पैराबोला या हाइपरबोला के केस में, ठीक है सॉरी पैराबोला के केस में पहले देखते हैं। पैराबोला में केवल एक ही नाभि होता है इसलिए उसमें एक ही लेटेस्ट रेक्टम मिलेगा दोस्तों। हाइपरबोला में हमें दो नाभियां मिलती है तो हमें उसमें भी दो लेटेस्ट रेक्टम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके पॉइंट को समझते हैं। द लाइन बाइसेक्टिंग द मेजर एक्सिस एट राइट एंगल्स एंड टर्मिनेट्स बाय कर्व्स इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। मतलब समकोण पर दीर्घ अक्ष को समद्विभाजित करने वाली और वक्र द्वारा समाप्त की गई रेखा को हम लघु अक्ष कहते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर लघु अक्ष दिख रहा है BB', ठीक है, वो क्या है, मध्य बिंदु पर काट रहा है दीर्घ अक्ष को, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है उसको मध्य बिंदु पर काट रहा है सेंटर पॉइंट पर, और वो कर्व पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, लघु अक्ष। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज लेटेस्ट रेक्टम। वह लाइन दोस्तों जो फोकस से होकर गुजरता है और परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस के, तब उसे हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम या नाभिलंब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टेंजेंट इज द लाइन विच टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पी से होकर एक टेंजेंट गुजर रहा है जो केवल एक ही पॉइंट पे काटता है दोस्तों कर्व को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 437। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर C 2/3, क्योंकि दोस्तों चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन का ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो लेस देन वन है दोस्तों, और इलिप्स में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक है, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ठीक है, द एसेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स इज ऑलवेज लेस देन वन, द एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज वन फॉर पैराबोला, द एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज जीरो फॉर अ सर्कल, द एसेंट्रिसिटी फॉर अ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। दोस्तों इलिप्स के लिए लेस देन वन होता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं एसेंट्रिसिटी होता है वो रेशियो होता है दोस्तों नाभि से पॉइंट के बीच की दूरी का, ना पॉइंट का एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन नियता से दूरी से। ठीक है, जिसको हम ई से शो करते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे ई इज इक्वल टू वन पैराबोला के लिए होता है, इज लेस देन वन इलिप्स के लिए होता है, और इज ग्रेटर देन वन हाइपरबोला के लिए होता है। एक और पॉइंट दोस्तों, इज इक्वल टू जीरो सर्कल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। एक्सिस आर कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस व्हेन दे आर पैरेलल टू द टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर एक्सट्रीम्स। अक्षों को संयुग्मित अक्ष कहा जाता है जब वे अपने चरम पर खींचे गए स्पर्श रेखा के समानांतर होते हैं। दोस्तों तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो एक्सिस है, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। इन दोनों को हम संयुग्मित अक्ष कब
बोलेंगे दोस्तों, जब दोनों का को दोनों से होते हुए कोई स्पर्श रेखा अगले अक्ष के समानांतर हो तब। जैसे यहाँ पर चित्र में साफ साफ दिख रहा है मेजर एक्सिस से होते हुए समानांतर रेखा क्या है, जेड जेड डैश है, जो कि माइनर एक्सिस के पैरेलल है। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर हम क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस के अलोंग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगा, मेजर एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 439। स्टेप्स आर गिवन टू ड्रॉ एन इलिप्स बाय लूप ऑफ द थ्रेड मेथड, अरेंज द स्टेप्स। लूप बनाने की थ्रेड विधि द्वारा एक दीर्घ वृत्त खींचने के लिए चरण दिए गए हैं दोस्तों। चरणों को व्यवस्थित करना है, जो चार चरण दिए गए हैं वो अव्यवस्थित क्रम में है, इन चरणों को व्यवस्थित करना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देके आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है जिसके थ्रू हम इस चरणों को व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे दिए गए स्टेप्स को तो हमें लूप बनाने की विधि का स्टेप मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर, ड्रॉ टू एक्सिस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, लोकेट द फोकी एफ वन एंड एफ टू। दोस्तों हमें दो एक्सिस ड्रॉ करना है। क्या होता है लूप मेथड में हमें एक्सिस का लेंथ दिया रहता है, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो उसको पहले हमें ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, सपोज ए बी है और ए क्या है सी डी है, ठीक है, जो कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और दो फोकी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दो फोकी भी दिया रहता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं दोस्तों इस पॉइंट को। ठीक है, अब दो फोकी फाइंड होने के बाद क्या करना रहता है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फोर्थ में। ठीक है, इंसर्ट अ पिन एट इच फोकस पॉइंट एंड टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप अराउंड द पिन। दोस्तों दोनों फोकस पॉइंट में हमें पिन गाड़ देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पिन गाड़ देना है और उसमें एक थ्रेड टाई करना है दोस्तों। ठीक है, दोनों पिन में एक धागा बांधना है। ठीक है, ऐसे बांधना है ताकि उसमें लूप बन जाए, चारों ओर एक तरह का लूप बन जाए पिन के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर वन है नेक्स्ट, चेक वेदर द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इनफ टू टच द एंड ऑफ माइनर एक्सिस। दोस्तों और जो लूप बना हुआ है धागे का, उसको हमें चेक करना है कि वो इस माइनर एक्सिस के एंड तक आता है कि नहीं। ठीक है, एक माइनर एक्सिस के एंड तक वो आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसमें हमें एक इक्वली टेंशन पैदा करना है, इक्वली तनाव उसमें उत्पन्न करना है दोस्तों। वो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, मूव द पेंसिल अराउंड द फोकी। ठीक है दोस्तों, जो थ्रेड है, ठीक है, उसमें पेंसिल फंसा के हमें पेंसिल को मूव करना है। ठीक है, फोकस के चारों ओर, ठीक है, दोनों फोकस के चारों ओर। ठीक है, मेंटेन एन इवन टेंशन इन द थ्रेड थ्रू आउट एंड ऑप्टेन द इलिप्स। ठीक है, और हमें एक समान टेंशन उसमें बनाए रखना है। ठीक है, ताकि पूरा वृत्त बन सके। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट में अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इस दोनों फोकस में हमें पिन दबाना है, पिन के चारों ओर धागे को ऐसे बांधना है। ठीक है, ताकि वो इस माइनर एक्सिस के एंड तक जा सके दोस्तों, और पेंसिल इसमें फंसा के उसको मूव करना है इसमें इक्वली टेंशन बनाते हुए, जिससे हमें चारों ओर इलिप्टिकल कर्व मिल सके। ठीक है, दिस इज द इजिएस्ट मेथड ऑफ ड्रॉइंग इलिप्स इफ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, एंड मेजर एक्सिस। दोस्तों अगर हमारे पास फोकी और माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ पता है, तब ये सबसे इजिएस्ट मेथड है दोस्तों इलिप्स ड्रॉ करने का। ठीक है, इट इज पॉसिबल सिंस इलिप्स कैन बी ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग इन द सेम प्लेन एज एंड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकी इज ऑलवेज द सेम। दोस्तों इलिप्स में क्या होता है दोस्तों, कोई भी पॉइंट ले लेंगे कर्व में, उसका दोनों फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर एस डिस और एस के बीच की दूरी नियत होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पॉइंट पी का दोनों फोकी के बीच की दूरियों का सम और पॉइंट क्यू का दोनों फोकियों के बीच की दूरी का सम
कांस्टेंट है दोस्तों, नियत होगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 440, ये भी प्रोसीजर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ट्रेमल विधि का यूज करना है, ठीक है। स्टेप्स आर द गिवन टू ड्रॉ एन एलिप्स बाय ट्रेमल मेथड, अरेंज द स्टेप्स। दोस्तों चार स्टेप्स दिए गए हैं ट्रेमल मेथड का, ठीक है। उसके थ्रू हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए चार ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको समझेंगे दोस्तों चित्र के द्वारा, ठीक है। ट्रेमल विधि में करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले सेकेंड स्टेप देखते हैं। ड्रॉ टू एक्सिस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। पहले तो दो एक्सिस ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करता है ओ पर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। अलोंग द एज ऑफ अ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर विच मे बी यूज्ड एज अ ट्रेमल, मार्क पी क्यू इक्वल टू हाफ द माइनर एक्सिस एंड पी आर इक्वल टू हाफ द मेजर एक्सिस। दोस्तों सबसे पहले कागज का टुकड़ा लेना है, कागज की एक पट्टी लेना है दोस्तों, ठीक है। कागज की एक पट्टी के किनारे के साथ जो एक ट्रेमल के रूप में उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस टाइप का एक पट्टी दिख रहा है, ये कागज की एक पट्टी है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मार्क करना है दोस्तों। पहले तो पी क्यू मार्क करेंगे, फिर पी आर मार्क करेंगे दोस्तों, ठीक है। लघु अक्ष के आधे के बराबर जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस के जो सी डी माइनर एक्सिस है उसके आधे के बराबर हमें पी क्यू लेंथ मार्क करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, माइनर एक्सिस के आधे के बराबर दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पी आर मार्क करना है दोस्तों मेजर एक्सिस के आधे के बराबर, ठीक है। यहाँ पर मेजर एक्सिस के आधे के बराबर पी आर मार्क कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। एक तरह का क्या बन गया दोस्तों, ट्रेमल बन गया दोस्तों, एक कागज की पट्टी बन गया, एक तरह का स्केल टाइप का कुछ बन गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर वन, प्लेस द ट्रेमल सो दैट आर इज ऑन द माइनर एक्सिस सी डी एंड क्यू ऑन द मेजर एक्सिस ए बी, ठीक है। दोस्तों ट्रेमल को इस तरीके से रखना है ताकि जो आर है, ठीक है, वो माइनर एक्सिस सी डी पर रहे, ठीक है, और जो क्यू है वो मेजर एक्सिस ए बी पर रहे दोस्तों, ठीक है। जैसे दो जगह पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है, यहां पर इस स्थिति में रखेंगे, ठीक है, इस स्थिति में रखेंगे तो आर यहाँ पर माइनर एक्सिस में है और क्यू मेजर एक्सिस में, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्यू मेजर एक्सिस में है, ठीक है, और आर माइनर एक्सिस में है दोस्तों, ठीक है। तो पॉइंट वन कवर हो गया दोस्तों। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट थर्ड, ठीक है। बाय मूविंग द ट्रेमल टू न्यू पोजिशन, दोस्तों अलग अलग पोजीशन के लिए हमें अलग अलग जगह रखना है दोस्तों, बस शर्त क्या होना चाहिए, ठीक है। आर जो होना चाहिए वो सी डी पर होना चाहिए और क्यू जो होना चाहिए वो ए बी पर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्टेन अदर पॉइंट, इस तरीके से हमें और अन्य पॉइंट ऑप्टेन करना है दोस्तों, एंड ज्वाइन दोज टू गेट इलिप्स, और उन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें इलिप्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट किसका किसका पाना है दोस्तों, आर को सी डी पर और क्यू को ए बी पे रख के हमें पॉइंट पी पाना है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट पी का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए पॉइंट पी पाना है और इन्हीं पॉइंट पी जो आएगा उसको मिला के हमें इलिप्स बनाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ गया है ट्रेमल विधि, अब इसको अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। दिस मेथड यूजेस द ट्रेमल पी क्यू एंड पी आर विच एंड्स Q and R should be placed on major axis and minor axis respectively. दोस्तों यहाँ पर PQ का क्या करना है, Q, ठीक है, और PR का R कहाँ पर रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर R को माइनर एक्सिस में और Q को मेजर एक्सिस में रखना है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के पॉइंट P की वैल्यू को मार्क करना है, पॉइंट पी को मार्क करना है और उन पॉइंट्स को मिला के हमें एलिप्स ड्रॉ करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 441, स्टेप्स द गिवन टू ड्रॉ अ नॉर्मल एंड अ टेंजेंट टू द एलिप्स एट अ पॉइंट क्यू ऑन इट, अरेंज द स्टेप्स। दोस्तों यहाँ पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं दीर्घवृत्त में, ठीक है, तो उसे हमें अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर अव्यवस्थित क्रम में है तो इसको अरेंज करने के लिए चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इन चारों ऑप्शन को आपको
देखना है और समझना है कि क्या हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग हम चारों स्टेप्स को अरेंज करेंगे तो हमारे पास सही स्टेप्स आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं इस चित्र के द्वारा। ठीक है, पहले थर्ड में आते हैं, ज्वाइन क्यू विथ द फोकी एफ वन एंड एफ टू। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलिप्स है, इलिप्स के दो फोकी है और उसमें एक पॉइंट क्यू है। हमें पॉइंट क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पॉइंट क्यू को पहले क्या करना है, दोनों फोकी से मिला देना है, एफ वन और एफ टू से। ठीक है, यहाँ पर डैश 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 लाइन दिख रहा है आपको मिलता हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब आते हैं फोर्थ में। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन एन एम बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस ड्रॉन बिफोर विच इज नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें एन एम लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर एन एम दिख रहा है और एन एम कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जो पहले हम लाइन ड्रॉ किए थे पॉइंट क्यू को एफ वन से मिलाते हुए और एफ टू से मिलाते हुए, तो हमें एक एंगल मिलता है दोस्तों। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे तो हमें लाइन एन एम मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एक तरह का नॉर्मल का काम करेगा जो हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ड्रॉ अ लाइन एस टी थ्रू क्यू एंड परपेंडिकुलर टू एन एम। दोस्तों और एक लाइन एस टी इस तरीके से ड्रॉ करना है जो एन एम के परपेंडिकुलर हो और ओ से होते हुए जा रहा हो दोस्तों। ठीक है, चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा चाप कहाँ से काटा गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एंगल बाइसेक्टिंग के टाइम हम क्या करते हैं, जो इस चाप है इस चाप के बराबर या थोड़ा बड़ा त्रिज्या लेके प्रकार की नोक को इस एंगल के दोनों ओर रख के हमें चाप काटना है दोस्तों। यहाँ पर दो चाप मिला, इस चाप को हमें पॉइंट क्यू से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है जिससे हमें एन एम मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट एस टी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो एन एम है एन एम के पॉइंट क्यू से हमें परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक त्रिज्या लेके क्यू पॉइंट पे नोक रख के या केंद्र मान के हमें एन एम पर दो चाप काटना रहता है, एक ए वाला और एक ए वाला। ठीक है, बराबर डिस्टेंस में। अब क्या करना रहता है, प्रकार की नोक को एक बार इस नोक में और एक बार इस नोक में रख कर हमें आगे की ओर चाप काटना रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चाप काटने से हमें एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को हमें क्यू से मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, जो कि एस टी बन जाएगा दोस्तों, जो कि एन एम के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हमें स्पर्श रेखा एस टी और नॉर्मल एन एम मिल जाता है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ठीक है, टेंजेंट्स आर द लाइन्स विच टचेस द कर्व्स एट ओनली वन पॉइंट, नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, मतलब टेंजेंट्स क्या होता है, ऐसा लाइन होता है जो एक ही पॉइंट पर कर्व को काटता है, यहाँ पर एक ही पॉइंट क्यू पर टच कर रहा है। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, 90 डिग्री बनाते हुए लंबवत होता है दोस्तों स्पर्श रेखा के। ठीक है, यहाँ पर एन एम जो है वो नॉर्मल है जो कि एस टी के लंबवत है दोस्तों। ठीक है, एस इन द सर्कल्स फर्स्ट वी फाउंड द नॉर्मल यूजिंग सेंटर सिमिलरली फोकिन एलिप्स। दोस्तों सर्कल के केस में हम क्या करते थे, सेंटर का यूज करके हम नॉर्मल फाइंड करते थे, लेकिन इलिप्स के केस में हमें फोकी का यूज करके, फोकस पॉइंट नाभियों का यूज करके हमें नॉर्मल फाइंड करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और नॉर्मल फाइंड करने के बाद हम उसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं जो कि स्पर्श रेखा का काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 442, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू इलिप्स, इनमें से कौन सा दीर्घवृत्त से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, लैटिस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस या एसिम्प्टोट्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एसिम्प्टोट्स, क्योंकि एसिम्प्टोट्स दोस्तों स्पर्श रेखा होती है। इसके लिए अति परवलय के केस में कौन सी स्पर्श रेखा जो कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ठीक है, लैटिस रेक्टम इज द लाइन ज्वाइनिंग वन ऑफ द फोकी एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। दोस्तों लैटिस रेक्टम मतलब नाभिलंब क्या होता है, जो कि मेजर एक्सिस के लंबवत होता है और फोकी पॉइंट से मतलब नाभि पॉइंट से होके गुजरता है दोस्तों। ठीक है,
एसिम्प्टोट्स क्या होता है दोस्तों? टेंजेंट होता है हाइपरबोला के लिए, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट में कर्व को टच करता है, इन्फिनिटी यू डिस्टेंस में टच करता है दोस्तों, ठीक है। मेजर एक्सिस कंसिस्ट ऑफ फोकी एंड परपेंडिकुलर टू माइनर एक्सिस। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी में मेजर एक्सिस है वो क्या होता है? वो मेजर एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू माइनर एक्सिस दोस्तों, ठीक है। और इसमें दो फोकल पॉइंट कंसिस्ट रहता है दोस्तों, इसमें दो फोकल पॉइंट नाभि पॉइंट स्थित रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 443। मैथमेटिकली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स? गणितीय रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी में समीकरण है वो दीर्घवृत्त का सही समीकरण है दोस्तों। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ए और बी दिख रहे हैं, वो क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली दोस्तों, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो दोस्तों किस फॉर्म में होगा? सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। इसका केंद्र जीरो जीरो और रेडियस ए यूनिट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जनरल मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इलिप्स अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड एज ब्लैंक इज ड्रॉन फर्स्ट। एक दीर्घ वृत्त मतलब अंडाकार ड्रॉइंग करने की सामान्य विधि में खाली स्थान नामक एक लंबवत रेखा पहले खींची जाती है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम पहले खींचते हैं दीर्घ वृत्त बनाने की सामान्य विधि में, ठीक है दोस्तों। इससे इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको दीर्घवृत्त बनाने की सामान्य विधि पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके इसका आंसर आप दे पाएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि सामान्य विधि में करते क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक दीर्घवृत्त ड्रॉइंग करने की सामान्य विधि में दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया जाता है, नियता को ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो सामान्य विधि के थ्रू ड्राइंग करने की चित्र है, ठीक है। दीर्घवृत्त को सामान्य विधि में कैसे ड्राइंग करते हैं वो इस तरीके से दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस मेथड के लिए हमें एक्सिस पता होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दूसरे शब्दों में नियता भी पता होना चाहिए, दो चीज पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी और नियता, ठीक है, तब जाके हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इन जनरल मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इलिप्स अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स इज ड्रॉन फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है दोस्तों, इसको सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। और दोस्तों ये कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक्सिस जो मेजर एक्सिस रहता है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम खींचेंगे मेजर एक्सिस, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड में जो सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है वो है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द फोकस इज ड्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉन। और दोस्तों मैंने बताया था कि फोकस की दूरी भी पता होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम फोकस पॉइंट करते हैं मेजर एक्सिस में, ठीक है। फोकस पॉइंट को हम चिन्हित करते हैं दिए गए दूरी पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज लेस देन वन। दोस्तों इलिप्स ड्रॉ करने से पहले हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू को भी चेक करना है कि वो लेस देन वन है कि नहीं, ठीक है। अगर लेस देन वन है तभी हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल वन है तो हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे, अगर ग्रेटर देन वन है तब हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तीनों के लिए सामान्य विधि यही है, बस कुछ कुछ स्टेप्स में चेंजेस है दोस्तों, क्योंकि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ अलग अलग होती है दोस्तों, ठीक है। एसेंट्रिसिटी के इसमें क्या यूज है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले समझ लेते हैं सामान्य विधि होता क्या है। सामान्य विधि में क्या करते हैं दोस्तों, एक तो एसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए और एक फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जिसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/3 और फोकस से दूरी मतलब डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 mm है, ठीक है।
तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इलिप्स ड्रॉ करना है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। यहाँ पर ए ए डैश मेजर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर डी डी डैश ड्रॉ करेंगे दोस्तों ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स से जो 50 mm का डिस्टेंस दिया है उस दूरी पर हमें क्या मार्क करना है, फोकस पॉइंट मार्क करना है दोस्तों ठीक है। यहाँ पर एफ फोकस पॉइंट मार्क किया गया है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ए से लेके एफ तक की दूरी को हमें डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी है 2/3 मतलब 2 + 3 = 5 होगा, तो हमें 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है दोस्तों ठीक है। उसके बाद 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली ठीक है। और क्या करेंगे, एक पॉइंट भी लेंगे, भी क्या होगा, वर्टिक्स होगा। और भी किस टाइप से लेंगे दोस्तों, ऊपर का जो टर्म है 2 ठीक है, वो भी से लेके एफ तक का डिस्टेंस होना चाहिए 2, और नीचे का क्या है 3, तो भी से लेके ए तक का पार्टीशन होना चाहिए 3 ठीक है। इसका मतलब ए है कि वी एफ अपॉन बी ए इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, हम जो भी है उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं दोस्तों ठीक है। बी ई और बी ई किस तरीके से होना चाहिए, बी इज इक्वल टू बी एफ होना चाहिए ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद करते हैं हमें ए और ई को मिलाते हुए एक लाइन बनाना है दोस्तों ठीक है, ए ई ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मार्क एनी पॉइंट 1। अब क्या करते हैं, मेजर एक्सिस में हम कोई पॉइंट 1 मार्क करते हैं ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि जो पहले वाली लाइन है ए ई उसको 1 डैश पे काटता है दोस्तों। यहां पर उस लाइन में एक मार्क हो गया 1 डैश। अब यहां से एक और लाइन बन गया 1 1 डैश ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 1 1 डैश का लेंथ को हमें रेडियस लेके जो पॉइंट एफ है ठीक है, पॉइंट एफ है उसको हम केंद्र मान के प्रकार की सहायता से जो परपेंडिकुलर लाइन है 1 1 डैश ठीक है, उसमें चाप काटेंगे तो हमें P1 मिलेगा दोस्तों ठीक है, P1 मिलेगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है, कोई पॉइंट 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 डैश लेना है ठीक है, फिर लाइन खींचना है जो कि पहले वाले लाइन ए को काटेगा 2 डैश 3 डैश 4 डैश इत्यादि पे ठीक है। फिर उसी तरीके से 2 2 डैश को हमें लेंथ लेके एफ से हमें चाप खींचेंगे तो हमें P2 मिलेगा ठीक है। और 3 3 डैश को हमें ये त्रिज्या लेके एफ से हम चाप काटेंगे दोस्तों तो हमें P3 मिलेगा। तो वैसे ही P1 P2 P3 सभी पॉइंट मिल गया, उसको हमें मिला देंगे तब हमें इलिप्स मिल जाएगा दोस्तों ठीक है। यही है सिंपल मेथड, सामान्य जनरल मेथड ठीक है इलिप्स ड्रॉ करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 445। इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 3/7, हाउ मेनी डिविजन्स विल द लाइन जॉइनिंग द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस हैव इन जनरल मेथड। यदि दीर्घ वृत्त अंडाकार की उत्केंद्रता 3/7 है तो सामान्य विधि में नियता और नाभि को मिलाने वाली रेखा में कितना विभाजन होगा दोस्तों। तो मैंने इससे पहले वाले अच्छे से समझाया दोस्तों, जनरल मेथड में क्या करते हैं, अगर एसेंट्रिसिटी 3/7 है तो हम उसको दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 7 = 10 कर देंगे और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों ठीक है, नियता और नाभि के बीच की दूरी को। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, इन जनरल मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इलिप्स इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज गिवन इज 3/7 देन द लाइन जॉइनिंग द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस विल हैव 10 डिवीजन। नंबर इज डिराइव्ड बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एसेंट्रिसिटी ठीक है। यहाँ पर अंश और हर की दोनों की संख्याओं को जोड़कर हमें जो 10 आ रहा है उसी पार्ट में डिवाइड करना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 446। इन जनरल मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इलिप्स आफ्टर पार्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस ब्लैंक इज मेट, मतलब एक दीर्घवृत्त ड्रॉइंग करने की सामान्य विधि में नियता और नाभि को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करने के बाद खाली स्थान बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्टेक्स। जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि पहले डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फोकस पॉइंट चिन्हित करते हैं, उसके बाद पार्टीशन करते हैं बीच का, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी का। उसके बाद पार्टीशन करने के बाद वर्टेक्स भी फाइंड करते हैं दोस्तों ठीक है। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ठीक है।
In the general method of drawing, after parting the line joining the directrix and the focus, a vertex is made. An arc with radius equal to the length between the vertex and the focus is drawn with the vertex as a द सेंटर. ठीक है, यहाँ पर दोस्तों शीर्ष को केंद्र मानकर और शीर्ष और नाभि के बीच की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जाता है दोस्तों. ठीक है, वहां पर चाप खींचने से हमें क्या मिलता है, पॉइंट ई मिलता है. ठीक है, और वी और ई को मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर बन जाता है दोस्तों. उसके बाद क्या करते हैं, वी और ई परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ए है उसको ई से मिला देते हैं दोस्तों. ठीक है, से हमें एक एंगुलर लाइन मिल जाता है. ठीक है, वो एंगुलर लाइन एक तरीके से स्केल का काम करता है दोस्तों. ठीक है, स्केल के काम करता है जिसके थ्रू हम पॉइंट P1, P2, P3 वगैरह फाइंड करते हैं और उनको मिला के हम इलिप्स कर्व ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं, जनरल मेथड को अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 447. An ellipse is defined as a curve traced by a point which has the sum of distance between any two fixed points always same in the same plane. मतलब एक दीर्घवृत्त को एक बिंदु द्वारा बनाए गए वक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक ही समतल में दो स्थिर बिंदुओं से उस बिंदु के बीच की दूरी का योग हमेशा समान होता है. ठीक है, तो दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत आपको बताना है दोस्तों. तो दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों. ठीक है, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में. An ellipse can also be defined as a curve that can be traced by a point moving in the same plane with the sum of the distance between any two fixed point always same. The two fixed point are called as focus. दोस्तों ये ellipse है. ठीक है, ellipse में कोई दो point P ले लेते हैं, P और Q. ठीक है, P और Q का दो fixed बिंदु जिसको हम नाभि बोलते हैं S और S dash से बीच की दूरियों का योग सदैव नियत होता है दोस्तों. अगर P point को consider करें, ठीक है, तो P पॉइंट का दोनों नाभियों के बीच की दूरी का योग और Q पॉइंट को कंसीडर करने के बाद Q पॉइंट का दोनों नाभियों के बीच की दूरियों का योग दोनों बराबर होता है, कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों. इसीलिए मैंने इसीलिए स्टेटमेंट में बोला गया है कि कई हर बिंदुओं का फिक्स्ड पॉइंट के बीच की दूरियों से योग नियत होता है, जैसे यहाँ पर साफ साफ दिया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 448. एन इलिप्स हैज ब्लैंक फोकी. एक दीर्घवृत्त में खाली स्थान नाभिया होती है दोस्तों. तो हमने पहले ही जानते हैं कि इसमें दो होगा दोस्तों, दो नाभिया होती है दीर्घवृत्त के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एस डेस और एस. ठीक है, यहाँ पर दो नाभिया है एस और एस डेस, और दोस्तों दोनों नाभियों से कोई भी पॉइंट के बीच की दूरियों का योग नियत होता है दोस्तों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 449. If information about the major and minor axis of ellipse is given, then by how many methods can we draw the ellipse? ठीक है, मतलब यदि दीर्घवृत्त के दीर्घ और लघु अक्षों के बारे में जानकारी दी जाती है तो हम कितनी विधियों से दीर्घवृत्त खींच सकते हैं दोस्तों. ऑप्शन आपके सामने है. ठीक है, दो तीन चार या पांच, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पांच. हम पांच विधियों से दीर्घवृत्त ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों अगर हमारे पास दीर्घ और लघु अक्षों की जानकारी है तो. ठीक है, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में. There are five methods by which we can draw an ellipse if we know the major and minor axis of that ellipse. ठीक है, मतलब हम पांच विधियों से ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स. ठीक है, अगर हमारे पास लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की जानकारी है तो. और पांच मेथड कौन कौन से है दोस्तों, दो जो फाइव मेथड्स आर आर्क ऑफ सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, लूप ऑफ द थ्रेड मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड एंड ट्रैमल मेथड. ठीक है, यहाँ पर पांच मेथड बताया गया है दीर्घवृत्त ड्रॉ करने का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 450. In arc of circle method, the foci are constructed by drawing arc with center as one of the end of the blank axis and the radius equal to the half of the blank axis. मतलब वृत्त के चाप बनाने की विधि में या वृत्त के चाप विधि में नाभि को खालिस्तान अक्ष के सिरों में से एक को केंद्र मानकर और खालिस्तान अक्ष के आधे हिस्से के बराबर त्रिज्या के साथ चाप खींचकर बनाया जाता है. ऑप्शन आपके सामने है. सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए माइनर एंड मेजर। दोस्तों वृत्त के चाप विधि में नाभि को लघु अक्ष के सिरों में से एक को केंद्र मानकर और दीर्घ अक्ष के आधे हिस्से के बराबर त्रिज्या लेकर सात चाप खींचकर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से कवर हो सके। इन आर्क ऑफ सर्कल मेथड द फोकी आर कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग आर्क्स विथ सेंटर एज वन ऑफ द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन बी नो ओनली मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। दोस्तों ये मेथड तभी अप्लाई किया जा सकता है जब हमारे पास केवल मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जानकारी हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 451। इफ बी नो द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रॉइंग द इलिप्स वी ड्रॉ द एक्सिस ब्लैंक इच अदर। मतलब अगर हम दीर्घवृत्त के दीर्घ और लघु अक्षों को जानते हैं तो दीर्घवृत्त खींचने के पहले चरण में हम अक्षों को एक दूसरे से खाली स्थान खींचते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है पैरेलल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग जस्ट टचिंग आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग, मतलब लंबवत द्विभाजित करते हुए दोनों अक्षों को खींचा जाता है दोस्तों। ठीक है, इफ वी नो द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ the drawing the ellipse is to draw the major and minor axis perpendicular bisecting each other. The major and minor axis are perpendicular bisectors of each other. दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि minor and major axis क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को लंबवत द्विभाजित करते हैं दोस्तों, perpendicular bisecting करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 452। लूप ऑफ द थ्रेड मेथड इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक मेथड। लूप बनाने की थ्रेड विधि खालिस्तान विधि का व्यवहारिक अनुप्रयोग है दोस्तों। ऑप्शन देख के आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। दोस्तों वृत्त के चाप विधि का व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है कौन सी विधि, लूप बनाने की थ्रेड विधि। ठीक है, लूप बनाने की थ्रेड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, लूप ऑफ द थ्रेड मेथड इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल method. In this method a pin is inserted at the foci point and the thread is tied to a pencil which is used to draw the curve. दोस्तों thread बनाने की विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले foci point में pin insert करते हैं दोस्तों और pin में हम thread tie करते हैं और धागा बांधते हैं और धागा में पेंसिल अटैच करते हैं दोस्तों। ठीक है, और पेंसिल को मूव करते हैं ताकि हम इलिप्स ड्रॉ कर सके दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 453। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पैराबोला। निम्नलिखित में से कौन सा पैराबोला के बारे में गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रिसिटी इज लेस देन वन, मैथमेटिकली इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। नेक्स्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो लेस देन वन है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू वो होती है दोस्तों इलिप्स के लिए। ठीक है, पैराबोला के लिए क्या होता है, इक्वल टू वन होता है दोस्तों। और जो बाकी ऑप्शन है जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 4a होती है। ठीक है, और जो फोकस की फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, मतलब जो बिंदु की फिक्स्ड पॉइंट से दूरियों का योग नियत होता है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि चित्र में आपके सामने किसका कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, मतलब y की एक वैल्यू के लिए हमें x की दो वैल्यू मिलती है दोस्तों। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अलग अलग होती है दोस्तों, इसीलिए पॉजिटिव x एक्सिस और निगेटिव x एक्सिस दोनों में कर्व बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। दोस्तों किसी भी कर्व में एसेंट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों, एसेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, एसपी अपॉन पीएम। ठीक है, एसपी अपॉन पीएम क्या होता है, किसी भी कर्व का पॉइंट पी से फिक्स्ड पॉइंट एस मतलब नाभि से दूरी और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जेड जेड डैश मतलब नियता से दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, सेंट्रिसिटी कहलाता है। इसको ई से शो किया जाता है, अगर ई की वैल्यू 1 है तब हमें क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में क्या था, ई लेस देन 1 था। ठीक है, जो कि इलिप्स के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 454। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन यूज पैराबोलिक कर्व्स। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण परवलय वक्र का उपयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है कूलिंग टावर्स, वाटर चैनल्स, लाइट रिफ्लेक्टर्स एंड मैनहोल्स।
ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लाइट रिफ्लेक्टर में हम पैराबोलिक कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला चित्र है वो लाइट रिफ्लेक्टर का है दोस्तों, और जो ये वाला चित्र है वो क्या है, वाटर चैनल का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ पॉइंट्स दिया हुआ है, आर्चेस, ब्रिजेस, साउंड रिफ्लेक्टर्स, लाइट रिफ्लेक्टर्स, इट्स यूज पैराबोलिक कर्व्स। दोस्तों जो मेहराब होता है, पुल होता है, ध्वनि परावर्तक और प्रकाश परावर्तक आदि क्या होता है, परवलय वक्र का उपयोग करके बनाया जाता है। लेकिन कूलिंग टावर्स, ठीक है, वाटर चैनल्स यूज हाइपरबोलिक कर्व्स, आर्चेस, ब्रिजेस, डैम्स, मॉन्यूमेंट्स, मैन होल्स, ग्लैंड्स एंड स्टफिंग बॉक्सेस, इट्स यूज इलेप्टिकल कर्व्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 455। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ब्लैंक, मतलब परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के नाभिलंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन देके आपको बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए होगी दोस्तों। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में दोस्तों। जैसे कि चित्र में एक कर्व दिखाया गया है पैराबोला का, ठीक है, परवलय का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, जिसमें एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू मिलती है दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में, मैग्नीट्यूड सेम होता है दोस्तों, इसीलिए जो कर्व है वो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस में बन रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस एंड एंड स्ट्रेचिंग पैराबोला। दोस्तों जो एक्सिस के लंबवत होता है और नाभि से होते हुए जाता है और कर्व पर टच करते हुए समाप्त होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिलंब बोलते हैं दोस्तों। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला के नाभिलंब की लंबाई डिफरेंट डिफरेंट होती है, अगर पैराबोला का समीकरण है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, तब क्या होगा, नाभिलंब की लंबाई 4a होगी दोस्तों। अगर समीकरण क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, तब क्या होगा, 2a होगा दोस्तों। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ay है, तब उस केस में क्या होगा दोस्तों, a होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 456। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराबोला इक्वेशन, इनमें से कौन सा परवलय का समीकरण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन देख के आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर। दोस्तों इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। द रिमेनिंग रिप्रेजेंट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला, जस्ट बाई एडजस्टिंग देम वी कैन गेट जनरल नोटेशन ऑफ पैराबोला, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर गिव्स इक्वेशन फॉर हाइपरबोला एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन गिव्स इक्वेशन फॉर एलिप्स। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी के अलावा बाकी ऑप्शन है दोस्तों वो पैराबोला का है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो किसके लिए है दोस्तों, वो किसके लिए होता है, वो हाइपरबोला के लिए होता है दोस्तों। अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता, तब वो किसके लिए होता, इलिप्स के लिए होता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 457। 457 क्या बोल रहा है दोस्तों, द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई एक्स एक्सिस की सममित है, तो आपको बताना है दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। जो दिया गया समीकरण है वो एक्स एक्सिस के सममित नहीं है दोस्तों, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दो कर्व दिखाया गया है, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई के, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई का दिया गया है, ठीक है। पहले देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू रखने पर हमें वाई की दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम और साइन अलग अलग होता है दोस्तों, इसीलिए जो पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस दोनों में कर्व बन रहा है दोस्तों, एक्स के ऊपर भी, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के नीचे भी, ठीक है। इसीलिए जो ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई कर्व दिया गया है, ठीक है, जो कि साफ साफ दिख रहा है वाई की एक वैल्यू रखने पर हमें एक्स की दो वैल्यू मिलती है, मतलब वाई एक्सिस के दोनों साइड वैल्यू मिल रही है, एक पॉजिटिव एक्स के लिए, एक निगेटिव एक्स के लिए, मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा दोस्तों, इसीलिए जो दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 458, ठीक है।
स्टेप्स आर गिवन टू फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, अरेंज द स्टेप्स। दोस्तों यहाँ पर चार स्टेप्स दिए गए हैं जो कि अब व्यवस्थित क्रम में है। ये स्टेप्स किसके लिए है? पैराबोला का एक्सिस फाइंड करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो बी में स्टेप्स दिया गया है दोस्तों वही सही स्टेप्स है दोस्तों एक्सिस फाइंड करने का किसी भी पैराबोला का। इसको समझते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सेकंड पॉइंट में आते हैं, ड्रॉ ए बी एंड सी डी पैरेलल कॉर्ड्स टू गिवन पैराबोला एट सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों पहले तो ए बी और सी डी कोई दो जीवा है, ठीक है, उनको हमें ड्रॉ करना है पैरेलली किसी भी पैराबोला में, जिसके लिए हमें एक्सिस फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ में ड्रॉ अ लाइन ई एफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ए बी और सी डी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन खींचना है ई एफ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर जी एच टू ई एफ, ठीक है, विच कट्स पैराबोला। दोस्तों ई एफ का परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जी एच, जो कि पैराबोला को कट करेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट में, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जी एच गिव्स एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला। दोस्तों जो जी एच है उसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तब वही होगा पैराबोला का एक्सिस, ठीक है। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट बी ड्रॉन द पैरेलल कॉर्ड्स एंड देन लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस लाइंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सो बी ड्रॉन द परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस एंड देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिव्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, समानांतर जीवाओं को खींचा, फिर पिछली रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो अक्ष के समानांतर है, इसलिए हमने इस रेखा के लंबवत को खींचा और फिर लंबवत द्विभाजक परवलय की अक्ष देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 459, स्टेप्स आर गिवन टू फाइंड फोकस फॉर अ पैराबोला, अरेंज द स्टेप्स। परवलय की नाभि ज्ञात करने के लिए चरण दिए गए हैं, चरणों को व्यवस्थित करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो चरण दिया गया है वो सही है दोस्तों। इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। सबसे पहले थर्ड में आते हैं, मार्क एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी ए टू द एक्सिस। दोस्तों इस पैराबोला में कोई पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और पॉइंट पी से होते हुए अक्ष में जो एक्स डैश एक्स अक्ष है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पी ए दिख रहा है, वही परपेंडिकुलर है दोस्तों अक्ष का जो पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है दोस्तों। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट में, मार्क अ पॉइंट बी ऑन द एक्सिस सच दैट बी बी इज इक्वल टू भी ए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भी जो दिया गया है वो है वोल्टिक्स पैराबोला का। अब क्या करना है, एक्सिस में कोई पॉइंट बी लेना है, इस प्रकार लेना है कि बी भी जो बी से लेके भी तक का डिस्टेंस है वो भी से लेके ए तक की डिस्टेंस के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है दोस्तों, ज्वाइन बी एंड पी, और बी और पी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ टू बी पी। दोस्तों यहाँ पर जो बी पी लाइन है, ठीक है, बी पी लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ई एफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या है, फोकस पॉइंट है दोस्तों इसका पैराबोला का, तो जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है। एफ क्या है, एक्सिस को कट कर रहा है, उसको हम एफ पॉइंट दे, यही रिक्वायर्ड फोकस पॉइंट होगा दोस्तों पैराबोला का। चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। इनिशियली वी टुक अ पैराबोला विथ एक्सिस, took any point on it drawn perpendicular to axis and from the point perpendicular meets the axis। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम अक्ष के साथ एक परवलय लेते हैं, ठीक है, जिस पर कोई भी बिंदु लेते हैं जिससे अक्ष पर लंबवत खींचते हैं दोस्तों, और लंबवत बिंदु पर अक्ष से मिलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, another point is taken such that the vertex is equidistant from before point and later
सेंटर पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो वर्टेक्स पॉइंट से समान दूरी पर होता है। दोस्तों किसके, पहले वाले पॉइंट ए की जितना दूरी था उतना ही अभी वाला पॉइंट बी होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देन फ्रॉम द 1-2 पॉइंट ऑन पैराबोला अ लाइन इज ड्रॉन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दैट लाइन मिट्स द एक्सिस एट फोकस। और दोस्तों जो पॉइंट बना है पी बी उसको पैराबोला के पॉइंट पी से मिला देंगे दोस्तों, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पर वो फोकस से होते हुए जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा परवलय से संबंधित नहीं है, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस या एक्सिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेजर एक्सिस। दोस्तों मेजर एक्सिस किसके लिए होता है दोस्तों, इलिप्स के लिए होता है दोस्तों। इलिप्स में दो एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, लेकिन पैराबोला में केवल एक ही एक्सिस होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम इज द लाइन ज्वाइनिंग वन ऑफ द फोकी एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ठीक है। अगर इलिप्स के केस में हो तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, अगर परवलय के केस में हो तो सिंपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। दोस्तों यहाँ पर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि नाभि से होते हुए जा रहा है और कर्व पर समाप्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर इन इलिप्स बट इन पैराबोला ओनली वन फोकस एंड वन एक्सिस एग्जिस्ट सिंस एसेंट्रिसिटी पैराबोला इज इक्वल टू वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 461। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरबोला इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा अति परवलय का समीकरण है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी में समीकरण है वो है अति परवलय का समीकरण दोस्तों। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। दोस्तों यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वो किसका है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वो है सर्कल का दोस्तों, ठीक है। इफ द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैव सेम कोफिशिएंट देन द इक्वेशन गिव्स सर्कल दोस्तों, ठीक है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए वाई गिव्स अ पैराबोला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए वाई, ये पैराबोला का इक्वेशन है दोस्तों। वाई की एक वैल्यू के लिए हम एक्स की दो वैल्यू मिलती है, तो ये पैराबोला होगा दोस्तों। द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन गिव्स एन इलिप्स। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये इलिप्स के लिए है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 462। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन यूज हाइपरबोलिक कर्व्स, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण अति परवलय वक्र का उपयोग करता है दोस्तों, कूलिंग टावर्स, डैम्स, ब्रिजेस, मैनहोल्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कूलिंग टावर्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक चित्र है वो कूलिंग टावर्स का है, दूसरा चित्र है वाटर चैनल का दोस्तों, ठीक है। आप समझते हैं पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। कूलिंग टावर्स, वाटर चैनल्स यूज हाइपरबोलिक कर्व्स इज देयर डिजाइन। दोस्तों जो कूलिंग टावर होता है और जो वाटर चैनल होता है वह उसके लिए, उसके डिजाइन के लिए हम अति परवलय का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो आर्चेस, ब्रिजेस, साउंड रिफ्लेक्टर, लाइट रिफ्लेक्टर होता है उसके लिए हम पैराबोला कर्व का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आर्चेस, ब्रिजेस, डैम्स, मैनमेंट्स एंड मैन होल्स एंड स्टफिंग बॉक्सेस आर यूज्ड इलिप्टिकल कर्व्स। दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ कर्व इलिप्टिकल कर्व का यूज करते हैं, कुछ पैराबोलिक का और कुछ हाइपरबोलिक का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आया है कि इनमें से कौन सा अति परवलय वक्र का उपयोग करता है, तो वह है कूलिंग टावर्स दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 463। द लाइन विच टचेज द हाइपरबोला एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आर ब्लैंक, असीमित दूरी पर अति परवलय को छूने वाली रेखाएं ब्लैंक कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स या लैटिस रेक्टम या एसिम्प्टोट्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एसिम्प्टोट्स, ठीक है। चलिए समझते हैं एसिम्प्टोट्स होता क्या है, ठीक है। एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ हाइपरबोला। दोस्तों जो एक्सिस होता है वो क्या लाइन होता है, जो कि फोकस से पास होते हुए जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, कर्व को कोई एक पॉइंट पर काटता है दोस्तों। लेटस रेक्टम क्या होता है, नाभि का से होते हुए एक्सिस के परपेंडिकुलर जाता है, जो कि कर्व पर समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं एसिम्प्टोट्स पर, ठीक है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है दोस्तों, एसिम्प्टोट्स ऐसा स्पर्श रेखा होता है जो
कि इनफाइनाइट में कर्व को टच करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो डिस 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 करके दो लाइन है दोस्तों, वो कर्व के लिए दो एसिम्प्टोट्स है, ठीक है, दो एसिम्प्टोट्स है जो कि असीमित दूरी पर अति परवलय को टच करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 464, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला, निम्नलिखित में से कौन से अति परवलय के लिए उत्केंद्रता है दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर अच्छे से क्वेश्चन करवाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है अति परवलय के लिए उत्केंद्रता की वैल्यू कौन सी है इनमें से। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3/2। दोस्तों हम जानते हैं अति परवलय के लिए क्या होता है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। यहां पर 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जो कि अति परवलय के लिए हाइपरबोला के लिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 465, इफ द एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यदि अनंत स्पर्शिया एक दूसरे के लिए लंबवत है तो अति परवलय को समकोणीय अति परवलय कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रू या फॉल्स। तो दोस्तों आपको बताना है दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत। तो ये सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में दोस्तों। यहाँ पर चित्र में दिया गया है, एक है हाइपरबोलिक कर्व और उसके साइड में जो एक्सिस टाइप दिख रहा है दोस्तों वो क्या है, एसिम्प्टोट्स है, जिनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। एन इलिप्स देयर एग्जिस्ट टू एक्सिस, ठीक है, मेजर एंड माइनर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हुज एक्सट्रीम्स हैव टेंजेंट्स पैरेलल देम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट टू कंजुगेट एक्सिस फॉर इलिप्स एंड वन फॉर पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 466, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट ओनली वन पॉइंट, अनंत स्पर्शियों के समानांतर एक सीधी रेखा केवल एक बिंदु पर अति परवलय को काटती है, तो इस ये आपको बताना है कि सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ चित्र में दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इफ एनी स्ट्रेट लाइन टचेस द हाइपरबोला विथ टू पॉइंट्स इन इंफिनिटी नोन एज एसिम्प्टोट्स, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट ओनली वन पॉइंट। दोस्तों अगर स्ट्रेट लाइन कोई पैरेलली स्ट्रेट लाइन लेते हैं एसिम्प्टोट्स का, ठीक है, तो वो कर्व को किस कितने पॉइंट पर काटेंगी दोस्तों, एक पॉइंट पर, जो कि इसका स्पर्श रेखा होगा दोस्तों, क्योंकि एसिम्प्टोट्स भी स्पर्श रेखा है लेकिन ये अनंत पर इसको टच करता है दोस्तों, और उसी के समानांतर अगर कोई रेखा इसको टच करे, ठीक है, तो स्पर्श रेखा होगी जो कि केवल एक बिंदु पर टच करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 467, स्टेप्स आर गिवन टू लोकेट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला व्हेन एक्सिस एंड फोकी आर गिवन, अरेंज द स्टेप्स। दोस्तों यहाँ पर चार स्टेप्स दिया गया है किसी भी हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए, कब कब अगर हाइपरबोला का एक्सिस और फोकल पॉइंट दिया हुआ है तब, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम द फर्स्ट फोकस F1 ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू टच हाइपरबोला एट ए। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट फोकल है F1, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जो कि पैराबोला को पॉइंट ए पर काटेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग ए विथ द अदर फोकस F। दोस्तों अब ए और जो दूसरा फोकस पॉइंट है F, उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, एफ। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FAF1। दोस्तों यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एफ ए से लेके F1 तक, उसके बीच एक एंगल ए वाला बन रहा है, इसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है दोस्तों। यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो मिलेगा यहाँ पर
एक्सिस को, ठीक है, एक्सिस को जिस पॉइंट पे मिलेगा दोस्तों वहां से हमें क्या करना है उसको समझते हैं। थर्ड पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू एक्सिस एट बी, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्सिस के, ठीक है। और दोस्तों जो परपेंडिकुलर लाइन होगा बी के वही होगा डायरेक्ट्रिक्स दोस्तों। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक्स निकलना है, चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। द डायरेक्ट्रिक्स कट द एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फोकी एंड एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ठीक है। जस्ट बाय नोइंग दिस वी कैन फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स जस्ट बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट टू एक्सिस, मतलब अति परवलय पर किसी भी बिंदु और नाभियों के माध्यम से गुजरने वाली रेखाओं के कोणीय द्विभाजक और अक्ष के कटान बिंदु से नियता गुजरती है। बस यह जानकर हम केवल उस बिंदु पर लंबवत ड्रॉइंग करके नियता पा सकते दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ हमने क्या किया, फोकल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर फाइंड किया और दूसरे फोकल पॉइंट पर जो पॉइंट मिलता है उसको मिला दिए, जिसका एंगल बाइसेक्टर करने पर और वो एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे कटेगा वहां से क्या गुजरता है, नियता गुजरता है, ठीक है। यही जानते हुए हम उस पॉइंट से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जो कि डायरेक्ट्रिक्स होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 468, स्टेप्स आर गिवन टू लोकेट एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स एक्सिस एंड फोकस आर गिवन, अरेंज द स्टेप्स, यदि अक्ष और नाभि दिया जाए तो, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, अक्ष और नाभि, तब अति परवलय के अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने के लिए चरण दिए गए हैं दोस्तों, जो कि अव्यवस्थित क्रम में है उनको हमें व्यवस्थित करना है, जिसके लिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए में है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड मेथड मिल जाएगा दोस्तों इसका एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि अक्ष और नाभि दिया गया हो तो अति परवलय की अति स्पर्शिया अनंत स्पर्शिया ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर वन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी टू एक्सिस एट वर्टेक्स। दोस्तों यहाँ पर एक्सिस एक्स एक्स डैश है, यहाँ पर एक परवलय के वर्टेक्स बी से हमें एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ए बी, ठीक है। यहाँ पर जो ए बी दिख रहा है वो एक्सिस एक्स एक्स डैश के परपेंडिकुलर है और परवलय के एक वर्टेक्स बी से होते हुए जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पॉइंट नंबर थ्री, विथ ओ मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। दोस्तों यहाँ पर एक्सिस का मिड पॉइंट क्या है, ओ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है, विथ ओ मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के मिड पॉइंट से हमें टेकिंग रेडियस इज ओ एफ और ओ से लेके एफ तक का दूरी को त्रिज्या लेके हमें क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ आर्क कटिंग ए बी एट ई, हमें एक चाप खींचना है जो ए बी को ई पर काटे दोस्तों, ठीक है। अगर ई पर काट रहा है और दूसरा क्या जी पर काटेगा दोस्तों, हमें दो पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट क्या है ई और दूसरा पॉइंट है जी। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ज्वाइन ओ जी एन ओ ई, दोस्तों ओ से लेके जी को मिला देना है और ओ से लेके ई को मिला देना है दोस्तों, ठीक है। और उसको आगे बढ़ा देंगे जिससे हमें दो लाइन मिल जाएगा दोस्तों, जो कि सेंटर पॉइंट ओ से होते हुए जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड में, ठीक है। ओ जी एन ओ ई आर रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स, जो क्योंकि यहाँ पर OE और OG है दोस्तों वही रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स होगा दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इफ एनी स्ट्रेट लाइन टचेस द हाइपरबोला विथ टू पॉइंट्स इन इंफिनिटी नोन एज एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स क्या करता है दोस्तों, ये तो एक स्पर्श रेखा होता ही है लेकिन ये अनंत पर कर्व को टच करता है दोस्तों, ठीक है। हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। दोस्तों हाइपरबोला के केस में जो एसिम्प्टोट्स बनता है वो दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है दोस्तों, ठीक है। एसिम्प्टोट्स पासेस थ्रू सेंटर, और दोस्तों जो एसिम्प्टोट्स होता है वो सेंटर से पास होता है दोस्तों, ठीक है। हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव सेम एसिम्प्टोट्स। दोस्तों अगर हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट
का भी एसिम्प्टोट्स दोनों का सेम होता है दोस्तों, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोस्तों अगर हम एंगुलर बाइसेक्टर खींचे दोनों एसिम्प्टोट्स का तो क्या मिलता है दोस्तों, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्या खींचने पर? एंगुलर बाइसेक्टर खींचने पर, ठीक है। इफ द एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर दोस्तों एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अब उस केस में हाइपरबोला को क्या बोलते हैं दोस्तों, समकोणीय अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 469, द एसिम्प्टोट्स ऑफ एनी हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट ब्लैंक। किसी भी अति परवलय के अनंत स्पर्शीय खाली स्थान पर कटते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ऑन द एक्सिस, एट फोकस या सेंटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेंटर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो एसिम्प्टोट्स होता है दोस्तों वो सेंटर से होते हुए जाता है जिस पर दोनों एसिम्प्टोट्स एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस पार्ट के सारे क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। एक और बात दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो और पुराने वीडियोस का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, आप वहां से जाके पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ग्रुप के लिंक में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहां पर इस वीडियो का PDF और पुराने जितने भी वीडियो इसमें अपलोड है उसका PDF आप पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है, जहां से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।